हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और इस बॉक्स में गाइस हमेशा की तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा स्टेशनरी आइटम कौन सा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच मी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलता है। ये देखो दोस्तों टमाटर, अरे वाह काफी अमेजिंग। और दोस्तों ये टमाटर वाला है शार्पनर, यहाँ देख सकते हो हमें होल मिल जाता है, होल से पता चल जाता है दोस्तों इसके अंदर हमें मिलेगा शार्पनर। शार्पनर कैसा मिलेगा तो ये देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। और टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक डॉल्फिन। ओहो वाओ, और ये डॉल्फिन नहीं है, ये भी है एक डॉल्फिन वाला शार्पनर, पीछे होल से पता चल गया दोस्तों। देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों ये शार्पनर। चलो अंदर देखते हैं कैसा शार्पनर मिलता है। इसे खोलते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर शार्पनर, काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा डॉल्फिन वाला शार्पनर मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक लाइनर कलर पेन। अरे वाह काफी अमेजिंग। और लाइनर कलर पेन कैसे होते हैं चलो आपको दिखा दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी टिप होती है रोलर में दोस्तों, रोलर टाइप में दोस्तों इसकी टिप होती है। और इन पेन के अंदर दोस्तों हमें कुछ इस तरह डिजाइन वाले दोस्तों पेन मिलेंगे, वो कैसे चलो निकाल के दिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। तो एक पेन निकाल लेता हूं दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने स्काई ब्लू कलर का पेन निकाल दिया। और इस पेन में दोस्तों हमें पॉइंट लाइन वाले दोस्तों हमें इसके अंदर टिप मिलेगी, वो कैसे तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप देख सकते हो कितने अमेजिंग है। लाइनर टाइप में दोस्तों पेन है, इसे चलाया तो ये देखो दोस्तों ये चलाने में कुछ इस तरह से चलता है। और डिजाइन देख सकते हो इस तरह से डिजाइन बनेगा इस पेन से जब मैं ये पेन चलाऊंगा, तो देख सकते हो काफी अमेजिंग है। चलो एक और पेन निकालता हूं दिखाता हूं आपको। तो एक ग्रीन पेन को निकाल लिया दोस्तों, ये देख सकते हो ये ग्रीन पेन में दोस्तों हमें मिलेगी कर्व लाइन दोस्तों, ये देख सकते हो कर्व लाइन मिलेगी। ये ढक्कन ओपन किया और इसकी टिप देख सकते हो, टिप ओपन करी ये लाइन देखो दोस्तों, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। तो आपको ये लाइनर कलर पेन कैसा लगा? टोटल गाइस इसके अंदर हमें 6 कलर मिलेंगे और 6 तरह के डिजाइन मिलेंगे इस पेन के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक DIY का ऑटो शार्पनर सेट। अरे वाह काफी अमेजिंग DIY शार्पनर सेट मिल गया आपको। मैं बता दूं ये सारे पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, फिर टायर भी अलग हो जाएंगे दोस्तों, और बोनेट भी अलग हो जाएगा, और फिर हम इसे जोड़ के फिर सेट बना सकते हैं यानी ट्रक बना सकते हैं। और पीछे ऊपर दोस्तों हमें मिलते हैं 2 होल, एक छोटा होल मिलता है एक बड़ा होल मिलता है। एक छोटा होल मिलता है दोस्तों हमारे कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा होल मिलता है दोस्तों HB पेंसिल को शार्प करने के लिए। इसके अंदर देख सकते हो हमें 2-2 शार्पनर मिल जाते हैं। तो आपको ये DIY शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक जिराफ दोस्तों, देख सकते हो कितना गुड लुकिंग लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है। और ये जिराफ नहीं है, ये है जिराफ वाला पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं आपको। तो यहां से ढक्कन ओपन होगा, इस तरह ढक्कन ओपन कर लिया, और ये देख सकते हो इसकी टिप कितनी पतली टिप है, चलाते ये देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग चल रहा है। जेल पेन है दोस्तों जिराफ वाला। तो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, कैंडी सेट। ओह वाह काफी अमेजिंग कैंडी सेट। और दोस्तों ये कैंडी सेट नहीं, ये है एक हाइलाइटर सेट, वो कैसे चलो आपको दिखाता हूं। तो पैकेट से निकालता हूं एक कैंडी को, फिर आपको दिखाता हूं हाइलाइटर। ये देख सकते हो कैंडी लुक में दोस्तों हाइलाइटर है, काफी सुंदर काफी जबरदस्त। और कैंडी को देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया दोस्तों, और देख सकते हो कितनी लंबी कैंडी है। और ये कैंडी नहीं है दोस्तों, ये हाइलाइटर, वो कैसे तो ढक्कन इस तरह ओपन होगा, और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों हाइलाइटर। इसकी टिप भी देख सकते हो कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है। तो आपको ये कैंडी वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बिस्किट। अरे वाह चॉकलेट बिस्किट मिलता है दोस्तों, ओहो वाओ। और ये बिस्किट नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ और है, और इसके अंदर से तो काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं हमें काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं, और ये तो है दोस्तों एक बिस्किट वाली डायरी, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है इसके पेजेस बिल्कुल गोल गोल है बिस्किट की तरह। तो आपको ये चॉकलेट वाली बिस्किट डायरी कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। हमें ये क्या मिला, ये क्या चीज है दोस्तों, ये तो है कार दोस्तों, और ये है कार वाला शार्पनर।
वाओ काफी अमेजिंग। और इस कार वाले शार्पनर भी दोस्तों हमें दो दो शार्पनर मिल जाते हैं, दो होल है यानी दो शार्पनर भी लेंगे। और ये देखो दोस्तों इस तरह ओपन करिए और यहाँ दोस्तों हमें मिलता है एक छोटा ब्लेड, एक काफी बड़ा ब्लेड मिल जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग यार। ये तो कार वाला शार्पनर है, सब साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक स्टार बक्स का ये क्या है दोस्तों, ये तो एक इरेजर और पेंसिल शार्पनर सेट। अरे वाह काफी अमेजिंग यार, काफी अच्छा है दोस्तों। चलो निकाल के देखते हैं ये कैसी चीज है। तो ये देखो दोस्तों स्टार बक्स का दोस्तों ये इरेजर सेट है, पूरा ये इरेजर पार्ट है, ये देख सकते हो इसका स्ट्रॉ भी दोस्तों इरेजर है। नीचे दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है यानी पीछे हमें शार्पनर मिल जाता है, इसमें दोस्तों हम पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, काफी सुंदर काफी जबरदस्त। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मोबाइल इरेजर सेट, ये देख सकते हो कितना सुंदर कितना प्यारा। टोटल गाइज हमें इसके अंदर एक दो तीन तीन गाइज हमें मिलेंगे इसके अंदर मोबाइल फोन यानी टोटल तीन इरेजर मिलेंगे। चलो दिखाता हूँ आपको तीनों इरेजर, फिर आप बताना दोस्तों आपको सबसे अच्छा इरेजर कौन सा लगा। तो एक देख सकते हो इसके अंदर रेड कलर का इरेजर मिलता है, ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का जो नीचे गिर गया, ये देख सकते हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल के मोबाइल फोन है दोस्तों। बट ये है इरेजर, देख सकते हो इनकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है दोस्तों, काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे भी लग रहे हैं मोबाइल वाले इरेजर। आपको कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी सुंदर काफी प्यारी सी एक पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो काफी प्यारी है। तो चलो इसका कवर हटाते हैं, कवर हटाया तो ये देख सकते हो कवर हटाते यहां हमें मिलते हैं एक दो तीन चार, चार पेंसिल लॉक मिल जाते हैं और पेन लॉक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर गाइस हम अपने पेन या पेंसिल लॉक को सेट करके रख सकते हैं। कवर में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल गया दोस्तों, यहां देख सकते हो हमें एक जिप दो जिप, दो जिप मिलती है। तो फ्रंट जिप को ओपन किया तो देख सकते हो इसमें काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। मेन जिप को भी ओपन करते देखते कितना स्पेस है, मेन जिप को भी ओपन करा तो काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। मुझे तो इसके ये कवर में जो हमें पेंसिल लॉक मिला ना ये मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, कितनी जबरदस्त लग रही है और क्वालिटी देख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स की कितनी सुंदर है। टोटल गाइस इसके अंदर हमें एक दो तीन तीन ढक्कन मिलेंगे यानी ज्योमेट्री बॉक्स में हमें तीन तीन कंपार्टमेंट मिलेंगे। वो कैसे, तो ढक्कन ओपन करते हैं, पहले ढक्कन ओपन करते हैं एक कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, एक कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें तीन सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो पीछे एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और भी दोस्तों हमें ढक्कन मिलता है, ऊपर वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिल गया, इस कंपार्टमेंट में भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, कितनी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है हेलो किटी की। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक आउल दोस्तों, ये देख सकते हो आउल है और ये भी दोस्तों एक इरेजर और पेंसिल शार्पनर सेट है दोस्तों। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे, तो ये देख सकते हो आउल है और इसका पूरा पार्ट ये इरेजर वाला है दोस्तों, देख सकते हो पीछे गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, देख सकते हो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है। चलो निकालते हैं बॉक्स से, तो ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी प्यारी लग रही है और फ्रंट में दोस्तों हमें लोगो मिल जाता है यूनिकॉर्न का और इस लोगो में दोस्तों ग्लिटर और सीक्वेंस भरे हुए हैं जो काफी अट्रैक्टिव बना रहे ज्योमेट्री बॉक्स को। फ्रंट ढक्कन को ओपन करते हैं, पहले वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, ये देख सकते हो एक सेक्शन मिलता है, इस सेक्शन में दोस्तों हमें एक पेंसिल लॉक मिलता है और पेंसिल लॉक में दोस्तों हमें पांच पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, देख सकते हो। और यहां देखो दोस्तों हमें दो छोटे छोटे कंटेनर मिल जाते हैं और वह काफी अमेजिंग, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। और ऐसे छोटे छोटे कंटेनर दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते हैं, केवल इस यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स में दो छोटे छोटे कंटेनर मिल जाते हैं जिसमें गाइस हम अपने छोटे छोटे स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है और यहाँ देख सकते हो काफी बड़ा पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं और मनी भी रख सकते हैं इस पॉकेट के अंदर दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो इस साइड रखते हैं। एक और दोस्तों हमें ढक्कन मिलता है, ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। ये यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर सी दोस्तों। चलो इसे बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में मुझे दोस्तों ये छोटे छोटे कंटेनर काफी जबरदस्त लगे। तो आपको ये यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो, और इस पेंसिल पाउच में तो दोस्तों हमें गन मिलती है दोस्तों, और ये गन नहीं है दोस्तों, ये है एक पेन, ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों ये अच्छा पेन मिल जाता है, देख सकते हो पूरी गन लुक में दोस्तों पेन मिल गया। इसका ढक्कन ये है, इस ढक्कन को इस तरह लगा लेंगे
और सबसे अच्छी बात है इस पेंसिल पाउच में दोस्तों हमें एक लॉक मिल जाता है जिसमें काफी इजीली से हम इस गन को यानी पेन को काफी अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं। इसमें दोस्तों हमें टोटल गाइज इसमें 1, 2 और 3 जिप मिलती है दोस्तों। पीछे गाइज हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइज काफी अच्छा स्पेस है। एक मेन जिप है दोस्तों, देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और फ्रंट वाली जिप को भी ओपन करते हैं, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये गन वाला पेंसिल पाउच कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, एक कैन। और दोस्तों ये देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी कलरफुल ये एक दोस्तों कैन है। और ये कुछ और है दोस्तों, चलो निकाल के देखते हैं क्या है। तो ये जहां तक मुझे लग रहे हैं दोस्तों ये है हाइलाइटर सेट, ये देख सकते हो हाइलाइटर टाइप के लग रहे हैं। बट दोस्तों ये कुछ हाइलाइटर नहीं है, कुछ और चीज है दोस्तों। ये कैसे निकलेगा, कैसे खुलेगा दोस्तों? तो शायद नीचे वाला पार्ट खुलेगा दोस्तों, ये देख सकते हो नीचे वाला पार्ट खुल गया। और ये तो है दोस्तों एक कैन वाला हाइलाइटर, ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है, कितना अमेजिंग चल रहा है। कैन लुक में दोस्तों हाइलाइटर है काफी सुंदर से दोस्तों। टोटल गाइस इसके अंदर मिलते हैं हमें 6 कलर के हाइलाइटर, देख सकते हैं। एक और कैन को निकालते हैं, देख सकते हो कितने जबरदस्त, कितने अमेजिंग लग रहे हैं, कितने पिटी लग रहे हैं ये कैन वाले हाइलाइटर दोस्तों। आपको कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक टाइगर, और ये टाइगर नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ और चीज है दोस्तों। ये तो है एक पिगी बैंक, यहां देख सकते हो यहां हमें होल मिल जाता है, इसमें से दोस्तों हम अपनी मनी और कॉइन को डालेंगे। और सबसे अच्छी बात है इसमें एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजीली कैरी करके चल सकते हैं इस पिगी बैंक को, काफी सुंदर है। यहां देख सकते हो लॉक, इसे लॉक ओपन किया तो यहां देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा मनी आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर। ये तो काफी जबरदस्त पिगी बैंक है टाइगर वाला। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक ट्रेन। और ये दोस्तों ट्रेन में ये तो दोस्तों है एक पेंसिल शार्पनर, ये देख सकते हो पेंसिल शार्पनर है। चलो निकालते हैं बॉक्स और देखते हैं पेंसिल शार्पनर कैसा है दोस्तों, और किस तरह से इसके अंदर गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है। फ्रंट में दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को छीलेंगे दोस्तों। तो चलो फटाफट एक पेंसिल को लेके आता हूँ और फिर पेंसिल साफ करके दिखाता हूँ आपको इस शार्पनर से। तो ये है दोस्तों हमारे पास एक पेंसिल मिकी माउस की, इसके अंदर दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे। उससे पहले देखना दोस्तों क्या होगा, अभी पेंसिल नहीं जा रही तो इसके हैंडल को दोस्तों हम ऊपर करेंगे, फिर ये पेंसिल ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। और थोड़ा सा इस शार्पनर को बाहर निकाल लेंगे, देख सकते हो इस तरह हम अपनी पेंसिल को घुसाएंगे अच्छे से, पेंसिल चली गई बिल्कुल अंदर। फिर इस तरह से दोस्तों हम पेंसिल को शार्प करेंगे, ये देख सकते हो पेंसिल शार्प कर रहे हैं, अपने आप पेंसिल शार्प होने लगी दोस्तों। अब मैं आपको पेंसिल निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों कैसे पेंसिल को शार्प करती है, ये देख सकते हो कितने अच्छे से शार्प करती है। अगेन शार्प करते हैं दोस्तों, तो ये पूरा जब अंदर चला जाएगा ना ये वाला पार्ट, तो समझो पूरी पेंसिल अच्छे से शार्प हो गई है। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरह से शार्प करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा अंदर चला गया। अब देखो दोस्तों ये पेंसिल को शार्प कर दी, ये देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों शार्पनर है, और काफी अच्छे से हमारी इस पेंसिल को शार्प भी कर दिया हमारे शार्पनर ने। और दोस्तों सारा कूड़ा कहाँ गया, सारा कूड़ा गाइस इसके इस ट्रे में आ गया, ये देख सकते हो इसके ट्रे में आ गया। और फिर हम इस कूड़े को कहीं पे भी काफी इजीली से फेंक देंगे। और सबसे अच्छी बात है जब भी हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो बहुत सारा कूड़ा फैल जाता है, तो ये कूड़ा नहीं फैलेगा, एक ट्रे मिल जाता है इसमें कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम डस्टबिन में जाके फेंक देंगे इस कूड़े को। तो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों ये शार्पनर है, आपने देखा किस तरह से इसने हमारी पेंसिल को शार्प किया। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक है दोस्तों हमारे पास एक पांडा वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। इसका लॉक देख सकते हो प्यारा है दोस्तों, ऊपर से ओपन होता है, ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन होते ये देख सकते हो अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है। ऊपर दोस्तों हमें एक सेक्शन मिलता है, और इस सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है। नीचे एक और कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, इसका कलर देख सकते हो कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग लग रहा है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। फ्रंट ढक्कन को ओपन करते हैं, फ्रंट ढक्कन को ओपन किया तो यहां देख सकते हो इसका पेंसिल लॉक कितना अच्छी क्वालिटी का मिला, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों पेंसिल लॉक मिल जाता है। यहां देख सकते हो दो दो सेक्शन मिल जाते हैं, और यहां पे भी एक छोटा सेक्शन और मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। और यहां देखो दोस्तों हमें मिलता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिलता है। और ये है एक कमोड लुक में शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर कमोड लुक में दोस्तों, इसमें
दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और सारा छिलका इसके अंदर ही रहेगा। ये तो काफी जबरदस्त शार्पनर है दोस्तों। और ढक्कन और खुला तो यहाँ देख सकते हो, एक और पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। मुझे तो इस ज्योमेट्री बॉक्स की दोस्तों ये शार्पनर और पेंसिल लॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। तो इसे ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है और ये ट्रे अटैच है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो। इसे हटाया तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है दोस्तों जिसका काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक गाइस बैटमैन और सुपरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर काफी प्यारी है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें मिलता है 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन, 4 बटन मिलते हैं। इन चार बटन का यूज देखते हैं, पहले बटन को दबाते हैं तो पहले बटन को दबाते हैं कंपार्टमेंट बाहर आ गया जिसके अंदर गाइस हम अपनी रेजर रख सकते हैं। सेकंड बटन को दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाते ही ये देख सकते हो कैलकुलेटर बाहर आ गया, अरे वाह काफी अमेजिंग। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं तो तीसरे बटन को दबाते ही शार्पनर ऊपर आ गया, देख सकते हो काफी अमेजिंग। चलो चौथे बटन को दबाते हैं, चौथे बटन को दबाते ही ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट बाहर और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग यार, ये तो काफी जबरदस्त है। चारों बटन से अलग अलग चीजें ओपन होती है। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते यहाँ देख सकते हो पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइस क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसे निकाल के फेंक के हम अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं इस पेंसिल बॉक्स में। और ये देख सकते हो ढक्कन खोलने के बाद जो कंपार्टमेंट मिला था वही फोर्थ बटन को दबाने से दोस्तों कंपार्टमेंट बाहर आता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये सुपरमैन बैटमैन की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स, अरे वाह काफी अमेजिंग। और ये ज्योमेट्री बॉक्स आती है 225 रुपीज की। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं यह देखो दोस्तों यहाँ हमें मिलता है दो दो व्हाइट बोर्ड, ओहो वाह काफी अमेजिंग। यहाँ देख सकते हो एक व्हाइट बोर्ड तो 360 रोटेट भी हो रहा है यार, ये तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो ढक्कन है, ढक्कन को ओपन किया ये देख सकते हो यहाँ पे हमें मिलता है एक गाइस हमें मिल जाता है डस्टर, डस्टर से दोस्तों हम व्हाइट बोर्ड को साफ कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो गाइस हमें मार्कर मिल जाता है, एक ट्रे है, ट्रे पे दोस्तों हमें 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। ट्रे को हटाते तो नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ये छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स थी, काफी सुंदर काफी प्यारी सी दोस्तों। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। तो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। उससे पहले ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों आपको बता दूं। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ये देखो दोस्तों इसमें हमें क्या मिला, ये क्या है, अरे वाह ये क्या है दोस्तों, एक स्टैंड है और ये तो है दोस्तों एक बुक स्टैंड, अरे वाह दोस्तों काफी अमेजिंग, देख सकते हो बुक स्टैंड मिल गया इसके अंदर, ये देख सकते हो अरे वाह काफी जबरदस्त। इसके अंदर दोस्तों हम अपनी बुक को कुछ इस तरह से लगा के स्टडी कर सकते हैं, ये तो काफी जबरदस्त स्टैंड मिल गया, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों स्टैंड मिल गया इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों, ये तो चलो काफी अच्छा मिल गया। चलो इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, देख सकते हो इसमें दोस्तों हमें 2 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें टेबल देखने वो मिल जाते हैं, देख सकते हो नीचे वाले सेक्शन में भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो मार्वल प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स थी दोस्तों, काफी सुंदर सी, आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था आज का कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ, अच्छे से स्टेशनरी आइटम के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।